और धूप भी बहुत अच्छी आई है, एकदम खिलखिलाती हुई धूप और हमारे सुंदर से गाँव का नजारा। आज का पेपर कैसा था मन्नू का? तेरी मम्मी भी बोल रहा है देखो सबको हेलो गाइस। मैं कर रही हूँ आज फूलों की थोड़ा सा गुड़ाई भी करनी है और उनको ना फूल लगाने। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मीनू ब्लॉग्स पर। कर लेते हैं दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मेरी बूढ़ी मामी ना मुझे आवाज़ दे रही है और मैं कर रही हूँ आज फूलों की थोड़ा सा गुड़ाई भी करनी है और उनको ना फूल लगाने हैं, तो आपको भी ले चलते हैं वहीं पर और आपको एक बार दिखा देते हैं आज का मौसम। चलिए, आज ना बहुत अच्छी धूप है और पहाड़ों पर भी अच्छी धूप खिली हुई है। मौसम की बात करें ना, आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है और आज ना धूप खिली हुई है और हमारे पहाड़ भी ना बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और अपने खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम अभी हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं अपने खूबसूरत पहाड़। ज़्यादा गिरी है पहाड़ों पे और आज ना खिलती हुई धूप भी आई है और हमारे घर से इतना अच्छा नज़ारा दिखता है बाहर से और हमारी जो बालकनी है वहाँ से, और यह है हमारा जंगल सुंदर सा और यहाँ पे ना सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सुबह सुबह के टाइम में ना बहुत मस्त आवाज़ सुनाई देती है और ना वहाँ पे रहा मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, तो फूल मैंने इस पे लगाए हुए थे ना, इसमें मेरे पति देव ने ना मिट्टी ज़्यादा भर दी थी तो मुझे आज इसकी मिट्टी कम करके इसमें फिर से ये फूल मैंने इसी पे लगाए हुए थे। देखो इनमें जड़ भी आ गई है और फिर से मैं इन्हीं में लगाऊंगी, इसकी मिट्टी इन गमलों में कम करूंगी। और तो यहाँ से भी सारे मैंने फूल एक बार लगा दिए थे, फिर से निकाल दिए, तो फिर मैं दूंगी अपने फूलों को पानी। ये देखो मेरा सुंदर सा फूल सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि ना हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाला गिरता है तो उस वजह से ना फूल नहीं हो पाते हैं। और ये गमलों में मेरे कुछ कुछ फूल तो सूख भी गए हैं आज सर्दियों के टाइम पे और कुछ कुछ मेरे अच्छे भी हुए हैं। और ये देखिए मेरी सीढ़ियों के फूल दिखाते हैं आपको, तो मैंने आजकल ना फूलों को इधर की साइड रखा है क्योंकि यहाँ की साइड ना पाला बहुत ज़्यादा गिरता है और यहाँ तो ये मेरे ऊपर वाले फूल हैं इनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये देखो मेरा सुंदर सा कमल का फूल भी खिला हुआ है आप लोगों के सामने और कितना प्यारा प्यारा दिखाई दे रहा है। और ये देखो मेरे गमले, अपने घर में ही मैंने गमले बनाए हैं जो हमारे सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है हमारे पहाड़ों पे और ना एकदम धूप खिलती खिलखिलाती हुई धूप आई है तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारे ना जो पुलम के पेड़ होते हैं उनमें भी फूल आने लग गए हैं, देखो वाइट कलर के, और फूल आना स्टार्ट होने लग गया है। और अब ऐसी धूप आएगी ना तो हमारे पेड़ों में सारे फूल खिल जाएंगे और उसके बाद लगेंगे हमारे बहुत सारे फल। और अभी का मौसम देखो, हमारे गांव में ना खिलखिलाती हुई धूप आई है और बहुत मस्त दिखाई दे रहा है गाँव का नज़ारा और सुनसान सा माहौल हमारे गाँव का। तो गाइज आपको आज ना अपने गांव की खैर भी मैं करा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा काम तो हो चुका है थोड़ी बहुत, आज मैं फ्री हूँ। अभी मन्नू स्कूल से आई नहीं अभी क्योंकि ना मन्नू स्कूल गई हुई है तो स्कूल का टाइम है अभी उसका, एक दो घंटे बाद आएगी। पतिदेव गए हुए हैं आज रानी खेत और हम लोगों ने नाश्ता सुबह ही कर लिया था और अब दिन में खाएँगे हम लोग कुछ बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपने घर के सीधे रोड रोडी उधर को अपने गाँव की खैर कराने आप लोगों को, तो अपना गांव दिखाते हैं आज आपको। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं इधर को क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता है, और चलिए अपने गांव की सैर कराते हैं। तो गाइस आज ना धूप खिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है पैदल पैदल जाने में और आज एक भी बादल नहीं लगा हुआ है आसमान में। और यहाँ से मैं आपको
पर्वत दिखाऊंगी, वो कितने प्यारे चमक रहे हैं देखो, हमारे सुंदर से पहाड़। और हमारा घर भी यहीं पे है, मोड़ पे, इधर ही पे हमारा घर है। और मैं अभी इधर को निकली हूँ, तो पैदल पैदल घूमने गए हैं और पहाड़ आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। देखो पहाड़ तो वैसे हर जगह से दिखाई देता है, हमारे शीतला गांव से तो मैं हर जगह से पहाड़ दिखने को मिलेगा और पूरे हिमालय पर्वत के दर्शन कराऊंगी आज आपको मैं। तो चलिए, और चिड़ियाएं भी हमारे साथ हैं, देखो पीछे से दिखाई नहीं दे रही हैं, ये आसमान में इतनी चिड़ियाएं घूम रही है ना, बहुत ज़्यादा। देखिए अभी मैं अपने गांव के सामने से खड़ी हूँ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ से पूरा पर्वत दिखाई दे रहा है। और अब मैं जा रही हूँ घर को, अपने घर के आगे झाड़ू लगाना है। और वहाँ पे ना सुबह मैंने फूलों को पानी दिया था, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी गिरा हुआ था, तो उस टाइम पे ना उसमें झाड़ू नहीं लग रहा था, तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और अब चलते हैं घर को, रिम्मी भी चिल्ला रहा है और पूर्णिमा भी चिल्ला रही है। मैं थोड़ा सा आगे एक मोड़ आगे आई थी अभी, अब चलते हैं घर को। मेरे साथ ना मयंक भी है जो कैमरे पर आता है नहीं। तो गाइज घर पहुंच चुकी हूँ, अब लग जाते हैं अपने काम पे, फिर मिलाऊंगी पूर्णिमा से, क्योंकि घर का काम निपटा के ही मैं पूर्णिमा के पास जाऊंगी। और धूप भी बहुत अच्छी आई है, एकदम खिलखिलाती हुई धूप। और हमारे सुंदर से गांव का नज़ारा और हिमालय पर्वत के दर्शन तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन बारिश होती है ना, उसके दूसरे दिन काफ़ी अच्छे से पर्वत दिखाई देते हैं और अच्छा भी लगता है। तो गई जब मैं जा रही हूँ अब पूरे घर के काम निपटाने के बाद पूर्णिमा के पास रिम्मी को लेके, तो चलिए रिम्मी को भी घुमा के लाते हैं और पूर्णिमा से भी मिलाते हैं आप लोगों को। ये रही हमारी पूर्णिमा, अभी अभी ना मैं पूर्णिमा के पास भी आ गई हूँ और पूर्णिमा ना रिम्मी को देख रही है, मेरे से बात नहीं कर रही। आज मारेगी मेरे को है? क्या पानी पीना है? पूर्णिमा पी रही है पानी, थोड़ा तो मैंने इसको सुबह ही पिला दिया था, अभी उसने सुबह सुबह इतना पिया नहीं, अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है ना। हेलो गाइज, और पूर्णिमा को ना बहुत ज़्यादा धूप लग गई यहाँ पे अभी, है ना कल तक ठंडी हो रही थी, आज धूप नहीं लगी है, धूप आज पूर्णिमा को ज़्यादा धूप लग गई ना, है ना नहीं बोलती है पूर्णिमा। मैं बैठेगी, आराम करेगी, मैं खुजला नहीं रही हूँ अभी, देखो ये कहती है ना मेरे को ऐसे खुजली करने को बोलती है ये और मैं खुजली आने का मेरे को टाइम ही नहीं है, मन्नू दीदी आने वाली है उसको। तो पूर्णिमा ना दोबारा से फिर से पानी पीने लगी, देखो मैं इसके लिए दोबारा फिर से पानी लेके आ गई और ये पी रही है अभी पानी, अब नहीं पी रही, थोड़ा और पी लेती हूँ कह रही है थोड़ा सा और पी लेती हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, फिर तो तुम देते नहीं हो बार बार पानी, है ना, थोड़ा और पी ले पानी, थोड़ा और पी ले। मेरा कहना देखो कितना मानती है पूर्णिमा, उसको प्यास नहीं है, मैं जबरदस्ती पी ले बोल रही हूँ ना, फिर भी पी रही है। अब ना जैसे जैसे गर्मियों के दिन आएंगे तो इनको ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, देखो गाय बच्चों को मक्खियाँ परेशान करती हैं हमारे गौशाले से, तो गौशाले से देखो एकदम मस्त बर्फ दिखाई दे रही है। तो गाइस
आज ना काफ़ी ज़्यादा धूप है और मैं आई हूँ अपने नए वाले घर के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है। तो अब काम तो मेरे हो चुके हैं, अब मैं कर लेती हूँ रिम्मी की नाई। नाई तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, रिम्मी डरता नहीं है वैसे नहाने में। तो रिम्मी यहाँ पे बैठा है, देखो ये रहा हमारा रिम्मी। तो रिम्मी ना मुँह तो इसने बहुत गंदा सा बना लिया है नहाने के नाम पर, और इसको भी लग रहा होगा कल तक इतनी ठंडी हो रही थी कहीं ठंडी होगी करके, तो इसको नहला लेती हूँ। आज पतिदेव नहीं है ना, तो वही नहलाते हैं और आज मुझे ही नहलाना पड़ेगा रिम्मी को। यार ये रिम्मी ना इतना बहानेबाज है ना हमारा, और ये ना अच्छी करके छू गया है, यहाँ पे छू जा रिम्मी, नहीं नहीं करनी पड़ेगी। हाँ रिम्मी के लिए पानी भी लेके आई हूँ, गर्म पानी लेके आई हूँ, और क्या लेके आई हूँ और दिखाती हूँ। इससे नहलाएंगे हम रिम्मी को, क्लिनिक प्लस से मैं रिम्मी को नहला रही हूँ, देखो ये है ना, उसको पता है मेरे को नाई नाई करनी है करके। तो गाइस मैंने रिम्मी को भी नहला लिया है और रिम्मी देखो यहाँ पे मस्त बैठ के धूप सेक रहा है। रिम्मी को देखो मैंने एक बार तो उसको पोछ लिया था तौलिए से, अभी ना यहाँ पे बेंच में बैठ के मस्त धूप सेक रहा है ये देखो। हमारा रिम्मी देखो धूप में कैसे सूख गया है, अभी इसको ना मस्त सी नींद आई है। तो गाइस आ गई हमारी मन्नू स्कूल से, देखो बेचारी अभी आ रही है, और रिम्मी देखो इसको नहीं पहचाना, रिम्मी और मन्नू देखो मिल रहे हैं अभी अभी। हमारी मन्नू भी आ गई देखो स्कूल से, आज का पेपर कैसा था मन्नू का? अच्छा था, सच्ची बोल रही है झूठ बोल रही है? अच्छा तो अब क्या हुआ, किसके साथ आए? बबीता दीदी के साथ। तो मन्नू तो पहुंच गई है यहाँ पे स्कूल से, अब मैं मन्नू के ना कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ। बन रखे शाम की 6 बजने वाले हैं और आज हमारी शाम की सब्जी बन रही है पालक की, तो शाम की सब्जी की तैयारी भी हो रही है, मैं इसको ना काट लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हमारा गांव और सुंदर सुंदर पहाड़ जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। और हाँ प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, बाय।